दोस्तों, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि 2018 आपके जीवन में अद्भुत आशीषों की बारिश करेगा। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि हमारा मन नया है, हमारे मन में परमेश्वर की व्यवस्था है, हमारे मन में परमेश्वर की उपस्थिति है और यीशु का मन हमारे साथ है। और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि ये साल, ये वक्त जो गुजर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में गुजर रहा है। मेरे भाई, यीशु आने वाला है और वो आशा हमारे अंदर से कभी ना जाए। चाहे कोई भी साल आए, चाहे कोई भी दिन आए, चाहे कोई भी पल आए, हम यीशु मसीह का इंतजार, उसकी आशा में अपने जीवन को गुजारें और उस आशा के सिंहासन के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आशा की ताकत, आशा रखते हुए हम उसका इंतजार करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तो आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है मती 6 का उसका पहला वचन। हालेलुया। वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त ना करोगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। देखिए, साल की शुरुआत परमेश्वर आपको सावधानी के लिए कह रहा है, आपको सावधानी की चेतावनी दे रहा है। क्यों? परमेश्वर वो धार्मिकता जो उसकी है, वो धार्मिकता जो हमें क्रूस से मिली है, उस धार्मिकता को परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दिया है। और वही धार्मिकता हमारे अंदर शक्ति पैदा करती है, वही धार्मिकता हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा करती है, वही धार्मिकता बताती है कि हम यीशु मसीह के बंदे हैं। वो छाप जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर लगी है, वो बताता है कि हम प्रभु यीशु के बंदे हैं, हम यीशु मसीह के चुने हुए हैं। और जब वो आएगा तो इसी छाप के द्वारा, इसी आत्मा के द्वारा वो हमें पहचानेगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए उसकी, वो आपको सावधानी बरतने के लिए कहता है, वो सचेत रहने के लिए कहता है। वचन कहता है कि सावधान, अपनी धार्मिकता को मनुष्यों को दिखाने के लिए व्यक्त ना करो। इसी के पहले अध्याय में मती 5 में 3, 4, 5, 6 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से, उन सुनने वालों से कहा था जो उसके उपदेशों को सुनने के लिए वहां बैठे हुए थे। क्या कहा था? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वही देखेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि सांत्वना वही पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी वही होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि उनको शांत किया जाएगा, उनको आशीष दी जाएगी, उनको आनंद मिलेगा। मेरे भाई, बाइबल आपको बताती है, वचन हमें बताता है कि हमें दीनता, अपने मन की दीनता हम ईमानदारी के संग अपने संग रखनी है। हालेलुया। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए दीन बनते हैं तो गलत है। अगर हम लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अपनी दीनता को अपने सामने रखते हैं तो गलत है। हमारी नम्रता, हमारी दीनता, हमारा शोक परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ हमारे चरित्र में होना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की तरह पूरी ईमानदारी के साथ उस दीनता को रखकर चलें। यही सच्ची धार्मिकता है। उस नम्रता के संग हम बात करें, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारी दीनता हमसे ना जाए, हमारी नम्रता हमसे ना जाए, हमारा शोक जो आनंद में बदल जाता है। हम दूसरों को जब दुख अपने हम जब दूसरों का दुख देखते हैं तो हमारा शोक अपने आप उजागर हो, ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें, हम उनके लिए सेवा कर सकें। हालेलुया। हमारी धार्मिकता की भूख हमारे साथ हमेशा रहे। बाइबल यही चाहती है, परमेश्वर यही चाहता है, यीशु यही चाहता है कि हम उस धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे रहे। क्या कहा था सामरिया स्त्री के पास जब यीशु मसीह मिलने के लिए गया था और उसके चेले खाना लेकर आए थे? उसने कहा था कि मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। इसलिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर की कोई भी धार्मिकता जो हमारे अंदर है, उसको हम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें, हम परमेश्वर को दिखाने के लिए क्या करें। हम कहें कि नहीं परमेश्वर, हम तो उसे सच्चा प्यार करते हैं, और जो दीनता हमें मिली है, जो नम्रता हमें मिली है, जो धार्मिकता हमें मिली है, हम उसका उपयोग करें, ताकि तेरा चरित्र हम में प्रकट हो, ताकि तेरा प्यार हम में दिखे। और ये 2018 साल दुनिया जाने प्रभु यीशु को, दुनिया जाने प्रभु यीशु के प्यार को, उसके त्याग को जाने, और जाने कि वो कितना प्यार करता। जो नहीं जानता, आज से हम वाचा बांधे, जो नहीं जानता, हम उस तक पहुंचेंगे और अपनी दीनता के द्वारा, नम्रता के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा उसको बताएंगे कि यीशु मसीह कितना प्यारा है। हालेलुया। तो आइए मेरे दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं, इस नई सुबह हम प्रार्थना करते हैं, इस नए दिन हम प्रार्थना करते हैं, इस नए साल हम प्रार्थना करते हैं कि आइए हम आशा के साथ, हम हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएं, अपनी दीनता लिए, अपनी नम्रता लिए और अपनी धार्मिकता लिए, और उससे कहें कि प्रभु, जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे मुफ्त में दिया है, मैं उसे मुफ्त में दूंगा। आज लोग
प्रार्थनाओं को बेचते हैं, आज लोग अपनी धार्मिकता का सौदा करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें मुफ्त में मिला है और हमें मुफ्त में देना है वो ज्ञान, वो दान जो परमेश्वर का है, जिससे परमेश्वर की आत्माएं बचाई जा सके, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगते हैं। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हर देखने वालों के लिए आशीष मिले और ये नया साल आपके जीवन में अद्भुत काम करे, बंधनों से आजाद करे, आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और वो प्रेम ज्ञान और बुद्धि के समय आपका बढ़ता जाए। जैसे पौलुस की प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद देखने वाले और सुनने वाले हर भाई बहन के आशीष मांगते, सुख मांगते, चंगाई मांगते। प्रार्थना अपने सुनिए को भूल किए। आमेन, आमेन।